Hello, good morning friends. Today I am discussing lignocaine hydrochloride injection. Friends, इसे हम local anaesthesia के नाम से भी जानते हैं. चलिए friends, मेरे channel को सबसे पहले subscribe करिए medical से related information के लिए. Friends, ये हमारा लॉक्स 2% के नाम से आता है. नियन कंपनी बनाती है इसे. ये 30 ml का हमारा एनेस्थेटिक सॉल्यूशन होता है. ये हमारा 4% में भी आता है. इसको हम जब देते हैं किसी भी हमें मतलब प्लेस को, बॉडी ऑर्गन को, हम जैसे हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज हो जाता है, उसमें हम इसको सूचर्स लगाते टाइम इसको यूज करते हैं. और इससे मतलब बॉडी में 2 to 4 hours के लिए मतलब पेन रिलीफ, मतलब पेन नहीं होगा हमारी बॉडी को, उसमें इसको दिया जाता है. इसका लोकल एनेस्थीसिया है एक तरह का. तो फ्रेंड्स, ये एक लिग्नोकाइन के नाम से एक जेली आती है. और ये लॉक्स हमारा ये हो गया. और मैं आपके इसके बारे में बता देता हूँ इसमें क्या क्या कंटेनिंग हुआ. ईच एमएल कंटेन लिग्नोकाइन हाइड्रोक्लोराइड 20.133 ग्राम. सोडियम क्लोराइड भी है इसमें, यानी वाटर NS नॉर्मल्स 9 6.0 mg. और मिथाइल फेराबेन IP 0.1 ग्राम, ये ड्रग है. और एस वाटर फॉर इंजेक्शन यूज QS वाटर, इसको पानी के साथ नहीं देते. डज डायरेक्टली बाय द फिजिशियन स्टोर इन द ब्लो 30 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर, फ्रिज में नहीं करना है इसे में स्टोर. इंजेक्शन टू बी एडमिनिस्टर आफ्टर द टेस्ट डोज विद एडिक्वेट परक्यूशन स्कोप एंड एडवर्स रिएक्शन. इसका कोई खास रिएक्शन नहीं होता. इसको टेस्ट करने AST करने के लिए ज़रूरत नहीं होती. इसके लिए इसका कोई रिएक्शन नहीं है. हाँ, अगर ये जैसे कोई सर्जरी हम अंदर की तरफ कर रहे हैं तो ऑर्गन्स में हम देते हैं, जैसे कोई काफ़ी ज़्यादा टिश्यू डैमेज, रिब्स के डैमेज हो जाता है, तो उसमें कोई लंग्स हार्ट्स हमारे कोलैप्स ना कर जाए, तो उसमें इसको देने के बाद वाटर नहीं दिया जाता. वाटर बोलते तो NS नॉर्मल सलाइन नहीं दे सकते हम हाइड्रोक्लोराइड. ये हमारा लॉक्स 2% है. सीवियर में हमारा 30 ml में आता है, 50 ml में आता है, और 4% भी आता है. 4% मैक्सिमम हम ICUs में यूज करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये हमारा लॉक्स एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया है. इसका यूज हम बॉडी पार्ट को सुंद करने के लिए करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो है. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को. और मुझे कमेंट करके बताएं आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए. मेडिकल से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं. कोई भी ड्रग के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है आपको, तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. ये एक वीडियो है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को.